क्लास सेवेंथ बेटा, चैप्टर नंबर 8, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट फिफ्थ की इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। आई होप इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बताइएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन आइटम लिस्ट्स ईच पार्ट एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल, यानी जितना टोटल पार्ट होगा उसकी अलग अलग परसेंटेज आपको दी होगी, या टोटल परसेंटेज देने पर आपको अलग अलग परसेंटेज फाइंड करनी होगी। द टोटल परसेंटेज शुड बी 100, टोटल परसेंट जो होता है वो 100 होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर इन ए स्कूल, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह पढ़ना है इसको, रीडिंग करके हमें समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। इन ए स्कूल क्लास वाइज स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 to 10th इज अंडर एज। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्लास 7, 8, 9, 10 तक के क्लासेस के आपको स्ट्रेंथ दी गई है, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं बताए गए हैं। 7 में 175, 8 में 125, क्लास 9 में 110 और क्लास 10 में 90 स्टूडेंट हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्लास वाइज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूल, आपको क्लास वाइज परसेंटेज चाहिए हर एक क्लास की, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता होने चाहिए कितना है, यानी टोटल क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, सब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग क्लास में सबको ऐड कर दीजिए। 175 + 125 + 110 + 90 ये हो जाएगा 500। अब जिसका आपको परसेंटेज निकलना है उनकी क्वांटिटी लीजिए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आप राइट कर देंगे। जितनी क्वांटिटी का हमें परसेंटेज निकालना है वो हम न्यूमरेटर बनाएंगे, टोटल जितना हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है उसको हम क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 7, तो 7 क्लास में हमारे पास, यहाँ देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन में 175 है, तो 175 को ऊपर लिखा, टोटल 500 थे नीचे लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल और 5 से आप कट कर देंगे, 175 को 35% आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह क्लास 8 का हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज। तो स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 8 क्लास में, हमारे पास 125 है, तो 125 को ऊपर लिखा, 500 को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 25% आ जाएगा। तो इसी तरह क्लास 9 देखेंगे, क्लास 9th में आपके 110 स्टूडेंट हैं, 110 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 22% आ जाएगा। और इसी तरह से सेम आपको क्लास 10 का अगर फाइंड करना होगा तो 90 अपॉन 500 इंटू 100 कर देंगे तो आपका 18% आ जाएगा। तो बहुत ईजी था, तो आप समझ गए होंगे, टोटल क्वांटिटी को नीचे रखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है इसको ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्या है कि सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8E आ गई है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग करते हैं। यहाँ पर रवीज क्लास हैज़ 18 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, व्हाट इज़ इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, क्लास में बच्चों का क्या क्या परसेंट है, यानी गर्ल्स कितनी परसेंट हैं और बॉयज़ कितने परसेंट हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 करने के लिए टोटल आपको क्या लिखना होगा बेटा, आप टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम वही लिखना है। टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे आपके 18 + 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको बॉयज़ का परसेंटेज चाहिए, तो लिखेंगे बॉयज़ परसेंट इज इक्वल टू, तो बॉयज़ कितने हम 18 है, 18 अपॉन टोटल क्वांटिटी 30 है, मैंने बताया था इसी तरह से करना आपको, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 6 18 हो गया, 6 की 10 से मल्टीप्लाई हो गई तो हमारा आ गया 60%, ठीक है, 60% हमारे वो बॉयज़ आ गए। इसी तरह हमें गर्ल्स का फाइंड करना होगा, गर्ल्स हमारे पास 12 हैं, टोटल कितनी है 30, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 3 4 10 की 4 से मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा, तो 40% हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी। तो सेम इसी तरह से बेटा आपको करना होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चौक कंटेन्स 10% कैल्शियम,
3% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन ग्राम्स इन 2.5 kg ऑफ चॉक। तो आपसे ग्राम में अमाउंट पूछा है और टोटल क्वांटिटी आपको 2.5 दे रखी है, 2.5 kg, ठीक है। तो इसको आप 5 अपॉन 2 kg लिखेंगे सबसे पहले, तो 5 अपॉन 2 kg, इसको आप 5 अपॉन 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 ज़ा 10, 500 आ गया ऊपर, तो ये आ गया 2500 ग्राम, 2500 ग्राम हो गए। अब आपको अमाउंट निकालना है, सबसे पहले देखो किसका निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन है 3%, तो आप कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना परसेंटेज है 3, तो 3% को क्या लिखते हैं, 3/100 इंटू 2500, 00 से 00 कैंसिल आउट, 25 3 75, तो 75 ग्राम आ गया आपका कार्बन, ठीक है, इजी था ना। अब इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कैल्शियम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम है 10%, तो 10/100 हो जाएगा, 2500 से मल्टीप्लाई करना है, 00 00 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 250 ग्राम, तो आपका कैल्शियम आ जाएगा 250 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन एलॉय कंटेन्स 4% टिन, 1% जिंक एंड रिमेनिंग कॉपर। तो ए पार्ट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलॉय, तो आपका जो अलॉय है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कितने परसेंट में है। तो सबसे पहले देखो, आपका 4% टिन दे रखा है, तो टिन हो गया हमारे पास 4%, ये तो आपका क्वेश्चन में से मिल गया। जिंक 1% है, तो जिंक भी आपका क्वेश्चन में दे रखा है 1%, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 + 1 आपके पास कितना हो जाता है, 5 हो गया। रिमाइंडर कितना है, रिमेनिंग कॉपर है, तो कॉपर आपके पास कितना हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा, टोटल परसेंट मैंने आपको बताया था 100 होती है, तो 100 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 95%, तो कॉपर आपके पास कितना हो जाएगा 95%। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द मास इन केजी, केजी में मास चाहिए आपको, इन 5 टन ऑफ एलॉय, ठीक है, ईच मेटल का चाहिए। तो 5 टन, पहले सबसे पहले 5 टन को आप यूज देख ली, क्या लिखेंगे, 5 टन्स इज इक्वल टू 5 × 1000 kg, यानी 5000 kg आपके पास टोटल क्वांटिटी हो गई एलॉय की। इसके अंदर आपको अलग अलग अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम टीन निकालते हैं, अमाउंट ऑफ टीन, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से, अमाउंट ऑफ टीन, टीन कितना है आपके पास, 4% है, तो 4/100 × 5000, टोटल 5000 था ना, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, 4 5 20 हो गया, 10 हो गया, तो 200 kg हमारा क्या चीज आ गई है, टीन आ गया है, ठीक है बेटा, इसको आप राइट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, हमें निकालना है जिंक, तो अमाउंट ऑफ जिंक बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखते जाएंगे, अमाउंट ऑफ जिंक, अमाउंट जिंक कितना है 1%, तो 1/100 हो जाएगा, टोटल हमारे पास 5000 है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 50 kg, ये हमारा आंसर आ गया जिंक। और अब कॉपर की बारी है, तो अमाउंट ऑफ कॉपर लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कॉपर, तो बेटा मैं इस जितना मैं लिखता जा रहा हूँ इसको इरेज भी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ कॉपर आ जाएगा आपके पास 95% था, तो 95 100 × 5000, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद 0 लगाया और 5 5 ज़ा 25 हो गए, 2 5 9 ज़ा 45 47, दिस 1 kg, यानी 4750 kg आपके पास कॉपर आ जाएगी। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हमने हर चीज़ का अलग अलग जो था अमाउंट वो बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पैकेट ऑफ केक मिक्स हैज़ द कंपोजिशन ऑफ इट्स कंटेंट्स शोन इन द टेबल, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द केक मिक्स। तो एक केक हमने बनाया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ली हैं, हमने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और अदर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इतने इतने ग्राम्स, तो हमको सबकी परसेंटेज चाहिए, कैलकुलेट द परसेंटेज, है ना, तो हमें सबकी परसेंटेज चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको करना क्या होता है परसेंटेज के लिए, तो आप क्या कीजिए, सबको ऐड कर लीजिए पहले 3.5, ठीक है,
आप कितना ऐड करेंगे, एक साइड में ऐड कर देता हूँ मैं आपके लिए, चलिए 3.5, 5.5, 27, 27.0 और 14.0, इस तरह से ऐड करेंगे। चार्जेज हैं आपके पास 5, 5, 10, 1 कैरी हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 3, 5, 8 हो गए, 8, 7, 15, 15 और 9, 15 और 4 19 हो जाएंगे, 19, 1, 20, 20 का 0 हो जाएगा, 2 कैरी, 2, 2, 4, 1, 5, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास आ गई 50 ग्राम। कितना आ गया टोटल? 50 ग्राम, ठीक है बेटा, तो इसको नोट करना है। ओके बेटा, 50 ग्राम आ गया टोटल हमारा। तो आपको प्रोटीन की परसेंटेज चाहिए, तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, सबका मैं अलग अलग निकाल के दिखाऊंगा आपको, उसी तरह से करेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कितनी हो जाएगी, देखिए परसेंट टोटल हमारे पास कितना है, 3.5 है ना, प्रोटीन है कितना 3.5 है, और हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी आई है 50 ग्राम आई है, और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 2 10 हो जाएंगे, और 3.5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7। अब दो पार्ट में निकाल रहा हूँ आपको, थर्ड और फोर्थ अपने आप निकाल लेंगे, कार्बोहाइड्रेट और अदर इंग्रेडिएंट आप खुद निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले फैट का क्या होगा, तो फैट का हो जाएगा 5.5, क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फैट, किस तरह से लिखेंगे चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ फैट इज इक्वल टू 5.5 अपॉन टोटल हमारे पास 50 था इंटू 100, 52 जा हो गया, और ये हो जाएगा 11, है ना 11, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह आप कार्बोहाइड्रेट का और अदर इंग्रेडिएंट्स का फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एवरेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ मिल्क इज शोन इन द टेबल, टेबल आपको यहाँ पर दे रखी है, मिल्क के इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, मिल्क में आपने क्या क्या चीज़ ऐड की है, उनकी परसेंटेज दे रखी है, क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर ऑफ ईच कंपोनेंट इन 1 kg ऑफ मिल्क, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम में ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। तो पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा 5% है, तो 5% को हम 5/100 लिखते हैं, टोटल कितना था 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 50 आ गया, 50 ग्राम आपके पास क्या आ गए, कार्बोहाइड्रेट आ गया। इसी तरह प्रोटीन अगर आप निकालें, प्रोटीन तो प्रोटीन आपके पास है 3%, तो 3/100 हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 1000 थी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 ग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेटा इसी तरह से आप फैट, वाटर और अदर के भी क्वांटिटी निकाल लीजिएगा। इसके बाद बी पार्ट है हमारा, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आर देयर इन 75 kg ऑफ मिल्क, तो आपसे कितने ग्राम प्रोटीन होगा 75 kg में, तो 7.5 kg में, तो 7.5 kg, देखो 7.5 kg का मतलब क्या हुआ, 7.5 × 1000, 10 से पॉइंट कट जाएगा, तो 7500 ग्राम आ जाएंगे। तो 7500 का ग्राम का आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी इसके अंदर से, क्या पूछा आपसे प्रोटीन, तो देखो प्रोटीन एक्चुअल में कितना था हमारा, पहले 3% था, तो 3/100 कर देंगे, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 7500 हो गई है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 5 15, 3 7 21, 22 हो जाएंगे, 225 ग्राम, ये हमारे पास प्रोटीन आ गया, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम लगती है किसी क्वेश्चन में तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, PDF की हेल्प से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इस एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन आप नोटबुक में राइट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।